स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कन्वीनिएंट सैम्पलिंग की जिसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी कहा जाता है तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग इज द बेसिक टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग वेयर द रिसर्चर कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ कन्वीटली अवेलेबल पूल ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स यानी रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस देखता है कि कौन से रिस्पॉन्डेंट्स जो है उसको ईजीली अवेलेबल हैं या कौन से रिस्पोंडेंट्स जो हैं उसके ऊपर कॉस्ट उसकी कम आएगी टाइम कम लगेगा और दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज़ मोस्टली यूज इन मार्केट रिसर्च एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रोजेक्ट्स क्वालिटेटिव रिसर्च में तो ये यूज़ होती ही होती है मगर क्वांटिटेटिव रिसर्च में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादातर मार्केट रिसर्च में जो सर्वे हो रहे होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है या वो सर्विस जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए कर रहे हैं तो वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जो सर्वे कर रहे हैं उसमें ये सैम्पलिंग करते हैं तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग के एडवांटेजेस ये क्या है इसका पहला एडवांटेज ये है कि ये इनएक्सपेंसिव है यानी लेस टाइम टेकिंग है और इसमें जो है ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती डेटा जो है वो आप को कलेक्ट कर लेते हैं आपको जो अवेलेबल रिस्पॉन्डेंट्स हैं आप उनको जो है कॉन्टैक्ट करके तो डेटा जो है वो बड़ी जल्दी कलेक्ट कर सकते हैं ईजी टू डू है यानी इसमें आपको सैम्पलिंग फ्रेम के और उसके बाद जो है रेंडमाइजेशन के प्रोसेस में नहीं जाना पड़ता और इसके फ्यूर रूल्स टू फॉलो हैं यानी आप सिंपली आप एक स्टडी डिज़ाइन करते हैं और उसके लिए आपको जो अवेलेबल रिस्पोंडेंट्स हैं आप उससे डाटा कलेक्ट कर लेते हैं इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं जैसे कि एक स्टूडेंट है वो स्टडी कर रहा है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में कोल्ड ड्रिंक यूज का पैटर्न क्या है या कोल्ड ड्रिंक जो है उसकी कंजम्पशन का पैटर्न क्या है तो वो अपनी ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेता है अपनी फैकल्टी के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेता है और अपने डिपार्टमेंट से ही वो डाटा कलेक्ट कर लेता है तो ये जो वो प्रोसीजर वो फॉलो करता है ये एक कन्वीनियन सैम्पलिंग के थ्रू फॉलो करता है या फिर को, कोई मार्केट रिसर्च हो रही है किसी प्रोडक्ट के बारे में तो जो डेटा कलेक्टर है वो अपने फिजिबिलिटी को देखते हुए उस एरिया से डेटा कलेक्ट कर ले तो वो भी एक कन्वीनियन सैम्पलिंग है कन्वीनियन सैम्पलिंग को जो है मोस्ट ऑफ द टाइम परपसिव सैम्पलिंग के साथ जो है मिक्सअप किया जाता है कन्वीनियन सैम्पलिंग टोटली डिफरेंट है परपसिव सैम्पलिंग में परपसिव सैम्पलिंग में रिसर्चर ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन अंडरस्टैंडिंग का एक इंक्लूजन या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाता है जिसकी बेस पर वो रिस्पॉन्डेंट को सिलेक्ट करता है तो कन्वीनियन सेम्पलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता कन्वीनियन सेम्पलिंग में तीन चीज़ें यानी टाइम और उसके बाद कॉस्ट और उसके बाद जो उसकी फिजिबिलिटी क्या है इसकी बेसिस पे रिसर्चर डिसाइड करता है कि उसने कौन से रिस्पॉन्डेंट्स सेलेक्ट करने हैं अपनी स्टडी में तो ये जो है आपका एक ओवरव्यू है कन्वीनियन सेम्पलिंग का तो अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें कन्वीनियन सेम्पलिंग की तो पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती इंटायर पॉपुलेशन की यानी इससे जो रिजल्ट्स आप जनरेट करेंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं करते पॉपुलेशन के पैरामीटर को और इसमें दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि सिलेक्टेड रिस्पोंडेंट्स में नॉट बी द अप्रोप्रिएट रिस्पोंडेंट्स ऑफ द स्टडी आपने अपनी कन्वीनियंस की बेस पे जिन स्टूडेंट्स को जिन रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट किया वो मे बी रिप्रेजेंटेटिव हो ही ना पॉपुलेशन के फॉर इंस्टेंस आपने जैसे मैंने आगे एग्जांपल दी कोल्ड ड्रिंक कंजम्पशन के ऊपर uh, uh, स्टडी कर रहे हैं और आपने कुछ ऐसे रेस्पोंडेंट्स ले लिए जो कि कोल्ड ड्रिंक्स पीते ही नहीं हैं और आप उनसे डाटा ले रहे हैं तो वो तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल uh, ही नहीं है उस पॉपुलेशन का एंड क्वेश्चन रिमेन्ज ऑन दी एक्यूरेसी ऑफ द डेटा एज वेल यानी जो आपने रिस्पोंडेंट सेलेक्ट भी किए तो उनके पास उस पर्टिकुलर इशू का क्या नॉलेज था और उन्होंने आपको कितना एक्यूरेट डेटा दिया क्योंकि टाइम जब हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग कर रहे होते हैं तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है आ, वो, वो जो है उ, आ, इस चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं कि जो लोग हमें डाटा दे रहे हैं वो कितना विलिंगली दे रहे हैं और कितना एक्यूरेट दे रहे हैं तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं अगर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं